हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम्स फॉर टीचिंग। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ क्लास यू के जी के बच्चों के लिए मैथ्स की वर्कशीट। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूकेजी क्लास में जो भी टॉपिक बच्चों को पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड ये मैंने वर्कशीट बनाई है। फर्स्ट वर्कशीट है सर्कल द नंबर दैट मैचेस द फिगर एंड राइट नंबर नेम्स। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ड्रॉ की हुई हैं, पिक्चर्स के नीचे नंबर्स दिए हुए हैं और इन पिक्चर्स को काउंट करना है। काउंट करने के बाद क्या करना है, उस नंबर को सर्कल करना है। सर्कल करने के बाद उस नंबर का नंबर नेम नीचे लिखना है, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4, ठीक है, 4 बॉल्स हैं। 4 को यहाँ पे करना है सर्कल और यहाँ पे 4 यहाँ पे नंबर नेम लिखना है, FOUR 4। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6, कितनी लीव्स हैं, 6 यहाँ किया, यहाँ पे नंबर नेम लिखेंगे 6। नेक्स्ट है 1 2 3, यहाँ पे 3 को सर्कल करना है, 3 के लिखेंगे स्पेलिंग नंबर नेम THREE। ट्राइंगल, हाउ मेनी ट्राइंगल्स, 1 2 3 4 5, 5 ट्राइंगल एंड हियर नंबर नेम 5। नेक्स्ट वर्कशीट है टेक द स्मॉल ऑब्जेक्ट एंड कलर द बिग ऑब्जेक्ट। स्मॉल ऑब्जेक्ट को टिक करना है और जो बिग ऑब्जेक्ट है उसको क्या करना है, कलर करना है। तो यहाँ पे स्मॉल ऑब्जेक्ट क्या है, बॉल है, इसको करेंगे यहाँ पे टिक और इसको करेंगे कलर। अब यहाँ पे ट्री को क्या करेंगे, कलर करेंगे। अब नीचे देखिए, यहाँ पे फिश है और यहाँ पे एप्पल है, इसमें कौन सा बिग है कौन सा स्मॉल है। तो फिश जो है ये है बिग और एप्पल जो है ये है स्मॉल, इसको भी इसी तरीके से कलर करेंगे और यहाँ पे टिक करेंगे, स्मॉल जो है उसको किया टिक और इसको करेंगे कलर, ओके। नेक्स्ट वर्कशीट है कलर द लॉन्ग पेंसिल रेड एंड द शॉर्ट पेंसिल येलो। यहाँ पे देखिए, यूकेजी क्लास में बच्चों को लॉन्ग और शॉर्ट का भी ऑब्जेक्ट सिखाया जाता है। तो लॉन्ग ऑब्जेक्ट जो है उसको क्या करना है, रेड कलर से करना है और जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसको येलो कलर से। तो यहाँ पे देखिए, ये पेंसिल जो है ये क्या है, लॉन्ग है, तो इसको रेड कलर से कलर करना है। और जो स्मॉल है उसको इसी तरीके से देखिए, कलर द शॉर्ट टेबल ब्लू एंड द लॉन्ग वन ब्राउन। आप यहाँ पे टेबल की पिक्चर ड्रॉ करिए, जो शॉर्ट टेबल होगा उसको ब्लू कलर से करना है, जो लॉन्ग टेबल होगा उसको ब्राउन कलर से करना है। नेक्स्ट वर्कशीट है काउंट एंड मैच। यहाँ पे क्या करना है, आपको पिक्चर्स को काउंट करना है और यहाँ पे साइड दिए हैं नंबर्स, ठीक है। पिक्चर्स को काउंट करने के बाद नंबर्स उसको मैच करना है। तो 1 2 3 4, हियर इज 4 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हियर इज 8, 1 2 3 4 5 6 7, 7 1 2 2, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसको 6 से मैच करेंगे। नेक्स्ट वर्कशीट है राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 then 10। राइट द नंबर्स फ्रॉम 10 to 0, यहाँ पे बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी है, 10 9 8 7 6 5 4
3, 2, 1 and 0, यह है बैकवर्ड काउंटिंग। देखिए आप स्टार्टिंग में 0 से 10, 10 से 0, इस तरीके से आप नंबर सिखाइए, धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट है राइट केयरफुली फ्रॉम 1 to 5 नंबर्स को लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5। फ्रॉम 3 to 7 लिखना है, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इस तरीके से वर्कशीट देने से क्या होता है, बच्चे को आफ्टर बिफोर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जैसे अब यहाँ से 3 से दिया है तो 3 के बाद 3 to 7 लिखना है, तो 3 से वो काउंटिंग करना स्टार्ट करेगा। और नेक्स्ट दिया है फ्रॉम 6 to 10, यहाँ 6, 7, 8, 9 and 10। फ्रॉम 2 to 6, 2, 3, 4, 5 and 6। इस तरीके से आप भी कलरफुल वर्कशीट बना सकते हैं आप अपने बच्चों के लिए। बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेकर के इस तरीके के वर्कशीट में वर्कशीट करते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट है व्हाट कम्स आफ्टर। देखिए आफ्टर बिफोर, देखिए कोई भी चीज़ आप सिखाइए, सीक्वेंस वाइज सिखाइए, किसके बाद आपको क्या सिखाना है, इस तरीके से आपको देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे नंबर नेम्स दिया, नंबर दिया, और फ्रॉम 3 to 7, फ्रॉम 4 to 5, 4 to 10, इस तरीके से आप देंगे। उसके बाद व्हाट कम्स आफ्टर बिफोर का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया है 2 के आफ्टर क्या आएगा, 3, 8 के आफ्टर 9, 3 के आफ्टर 4, 7, 5, 10, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट है व्हाट कम्स बिफोर, 6 के बिफोर क्या आएगा, 5, 4 के बिफोर 3, 3 के बिफोर 2, 2 के बिफोर 1, 5 के बिफोर 4, 7 के बिफोर 6, 10 के बिफोर 9, 8 के बिफोर 7, 9 के बिफोर 8। ठीक है, अब यहाँ पे व्हाट कम्स बिटवीन, बिटवीन नंबर्स भी, 1 एंड 3 के बीच क्या आएगा, 2 आएगा, 2 और 4 के बीच में क्या आएगा, 3 आएगा, 3 एंड 5 के बीच में क्या आएगा, 4 आएगा, 6 एंड 8 के बीच में क्या आएगा, 7, 7 एंड 9 के बीच में 8, 8 और 10 के बिटवीन कौन सा नंबर आएगा, 9। इस तरीके से व्हाट कम्स आफ्टर बिफोर बिटवीन की भी वर्कशीट आप इस तरीके से बच्चे को बना के दे सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट है काउंट द ऑब्जेक्ट ऑफ ईच ग्रुप एंड राइट द नंबर इन द बॉक्स टिक द ग्रुप विच हैज़ लेस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या करना है, ऑब्जेक्ट को काउंट करना है और नंबर को लिखना है, उसके बाद क्या करना है, टिक द ग्रुप विच हैज़ लेस ऑब्जेक्ट, उस ग्रुप को टिक करना है जिसमें लेस ऑब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 लीफ है और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सर्कल है। यहाँ पे लिखना है आपको 4 और यहाँ पे लिखना है 8। ठीक है, अब देखना है, लिखा है टिक द ग्रुप विच हैज लेस ऑब्जेक्ट, किस में लेस ऑब्जेक्ट है, इसमें लीफ जो है लेस है सर्कल से, तो यहाँ पे करेंगे टिक। इस तरीके से मोर और लेस का भी कॉन्सेप्ट बच्चे को UKG क्लास में सिखाया जाता है। तो इस तरीके की आप वर्कशीट बना करके मोर और लेस ऑब्जेक्ट जो है क्लियर, मोर और लेस का टॉपिक क्लियर करा सकते हैं। देखिए 1, 2 फिश है, 1, 2, 3, 4, 5 स्टार्स, इसमें लेस क्या है, 2 है, यहाँ पे 2 को टिक करना है। नेक्स्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बॉल्स, हियर इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये यहाँ लिखेंगे 7, स्मॉल लेस ऑब्जेक्ट क्या है, ये इस साइड का है 7। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कंपैरिजन सिखाया जाता है, काउंट एंड राइट द नंबर। यहाँ पे क्या करना है, ऑब्जेक्ट को काउंट करना है, काउंट करने के बाद नंबर लिखना है, नंबर लिखने के बाद यहाँ पे देखिए साइन यहाँ पे बना हुआ है, सिर्फ और यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ ऑब्जेक्ट को काउंट करके लिखना है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे लिखना है, 5 यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है, 6। अब देखिए यहाँ पे पहले से आपको इस तरीके से बना के देना है ताकि बच्चे को ये पता चले कि 5 इज लेस देन 6। इस तरीके से आपको बताना, उसके बाद जो है आप बच्चे को ये साइन लगाने के लिए दीजिए, पहले आप खुद लगा करके दीजिए, ऑब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट के बाद काउंट करने के बाद उसको लिखने के लिए दीजिए। अब देखिए जैसे पिछली वर्कशीट में मैंने क्या बताया, लेस और मोर का ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट बताया, लेस और मोर का कॉन्सेप्ट सीख जाएगा तब आप बच्चे को ये लेस देन ग्रेटर देन
इस तरीके से वर्कशीट बना के दीजिए। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ लिखना है, 1 2 3 4 यहाँ लिखना है 4। अब आपको बताना है 9 इज ग्रेटर देन 4, ये है ग्रेटर देन का साइन, ये है लेस देन का साइन, ठीक है। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ लिखना है 11, और हियर 1 2 3 4 5 5 स्टार्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, 11 इज ग्रेटर देन 5। इस तरीके से बच्चे को लिखने के बाद आप उसको रीड करके बताइए 11 इज ग्रेटर देन 5, ये दिस इज द साइन ऑफ ग्रेटर देन। नेक्स्ट वर्कशीट है कंपेयर एंड राइट करेक्ट साइन ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पिछले वर्कशीट में मैंने कुछ सिंबल बना दिए थे खुद, यहाँ पे बच्चे को सिंबल बनाना है, काउंट करना है, काउंट करने के बाद लिखना है, लिखने के बाद सिंबल को बनाना है, लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ लिखना है 11, और 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ लिखना है 7, ओके। अब यहाँ पे देखिए 11 इज ग्रेटर देन का साइन लगेगा, 11 इज ग्रेटर देन 7, यहाँ पे काउंट करना है, काउंट करने के बाद नंबर्स को भी लिखना है, नंबर्स को लिखने के बाद साइन को भी आप बच्चे को ही लगाना है। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ लिखना है 8, और 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लिखना है 6, अब 8 इज ग्रेटर देन 6। नेक्स्ट है मैंगो है, यहाँ पे मैंगो ड्रॉ किया है मैंने, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, साथ में ही आप अगर कलरिंग के लिए भी दें तो आप बच्चे को कलर करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कलर करने के लिए नहीं दिया, ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर दिया है, उसको काउंट करना है, काउंट करने के बाद नंबर्स लिखने हैं, नंबर लिखने के बाद साइन को बच्चे को लगाना है 1 2 3 4 5 5 मैंगोज, 1 2 3 4 5 6 7 हियर इज 7 मैंगोज, ओके। अब 5 इज लेस देन 7, यहाँ पे लेस देन का साइन लगेगा। यहाँ पे दिया है पुट करेक्ट साइन लेस देन और इक्वल एंड ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल एंड लेस देन इन द बॉक्स। यहाँ पे नंबर्स दिए हुए, नंबर्स में आपको लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल का साइन लगाना है, जो साइन जिसके लिए सुटेबल हो। यहाँ पे देखिए जैसे 5 और 3 के बीच आपको क्या साइन लगाना है, ग्रेटर देन, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 3, 9 इज ग्रेटर देन 3, 9 जो है 3 से बड़ा है तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगेगा। 5 एंड 6 में क्या है, 5 इज लेस देन 6, तो यहाँ पे लेस देन का साइन लगेगा। यहाँ पे 1 और 2 में कंपेयर करना है तो 1 इज लेस देन 2, 6 इक्वल टू 6, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगेगा। 9 और 2 में 9 इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगेगा। इस तरीके से आप वर्कशीट बना करके बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। वीडियो आज की कैसी लगी, वर्कशीट कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो और वर्कशीट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।